स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे। और निज़ामबाद के अभी एमपी साहब ने भी एक धमकी दी है कि अगर सीए के ताल्लुक से असेंबली में बात आएगी तो सारी रियासत में हिंदुत्व होगा। तो क्या ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों का असेंबली तक के पहुंचना और सिक्योरिटी के को तोड़ते हुए हमला करना असेंबली के गेट्स पर, तो इसमें पुलिस कमिश्नर का फेलियर है या पुलिस कमिश्नर आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर चीफ मिनिस्टर साहब को सोचने की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये मतालबा करूँगा, क्योंकि ये वो कमिश्नर साहब हैं जो समझिए कि मुस्तकिल हमारे मूवमेंट को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं, इंतहाई सख्ती कर रहे हैं, शहर के अमन अमान की बात करते हैं। और आज बीजेपी की स्टूडेंट विंग गेट पर हमला करती है असेंबली के, तो ये एक मिलीभगत समझ में आती है। तो चीफ मिनिस्टर साहब इस पर सीरियस नोट लें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर का फौरी तबादला किया जाए, क्योंकि कमिश्नर समझिए कि बायस है, कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं रहे हैं और कमिश्नर की जानिबदारी बार बार सामने आ रही है। तो कमिश्नर को